कुछ नहीं होगा. सो दिस फॉलोइंग लेटर इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन. डियर मिस पांचाली रहमान, इट इज विद ग्रेट प्लेजर दैट आई इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अवॉर्डेड द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप. वी हियरबाय invite you to join our PhD program at Texas. Every year, students who have demonstrated outstanding academic scholarship are chosen from the internal entering class to receive this award. Nanu? चलेंगे. अरे कम ऑन. हाँ हेलो. रीच्ड? हाँ बस अभी पहुंची. जानू, आई जस्ट विजुलाइज यू बोथ फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो. इतनी देर लग गई? क्या हुआ? आई मीन लेट बाय 7 आवर्स. पूछिए मत. बट नानू जान, दिस इज योर लखनऊ. इट स्मेल्स ऑफ यू बोथ. अच्छा ठीक है, मैं अब रखती हूँ. आई एम ऑल फाइन, डोंट वरी. अच्छा रखो. आप लोगों का लखनऊ वापस लौटना नहीं हुआ. अगर पांचाली भी नहीं लौट सकी, आप लोग कैसे रहेंगे? दिस स्ट्रेस इज द प्रॉब्लम. बट दिस इज नॉट फेयर किंतु नानू. यू ओनली वांटेड मी टू गो स्टडी हिस्ट्री अब्रॉड एंड एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू सेटल देयर नानू. एंड बिरयानी कुक्ड बाय यू मिसेस रॉय चौधरी. अरे अल्लाह देखो तो, 48 घंटे में सारी गप्पे कर चुके. और बिरयानी वो तो मैं अपने पिछले जन्म में बनाया करती थी, अब भूल गई सब. गाड़ी चलाना, तैरना और खाना पकाना कोई भूलता नहीं. करेक्ट. खैर मिस्टर रॉय चौधरी, गेट वेल सून. पतंग जो उड़ानी है. अरे नहीं कटेगी. ओहो, वो देखो आ गई मोहतरमा. अरे तू, अरे तू तू फिर की पकड़. पतंगबाजी कोई आसान काम नहीं है. पता है क्या? ये देखो पतंग. क्या एक खुशबू नहीं आ रही है? ओह, बिरयानी पका रहे हैं. विश्वकर्मा पूजा की फीस्ट. इस साल आपकी पतंगबाजी भी नहीं हुई और बिरयानी भूल ही जाओ तो अच्छा है. लखनऊ के साथ साथ बिरयानी भी मुझसे शायद पराई हो गई. पर इन बिरयानियों में मुझे दिलचस्पी नहीं है. तेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी की बात ही कुछ और थी. नहीं नानू, दिस टाइम आई हैव टू डू समथिंग. लुक, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ.
सुनो। क्या? पिछले 50 सालों में मैंने बहुत समझाया है, बहुत बोला है, लेकिन बोल के कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ रंजिशें बढ़ी हैं। सी बाबा बोल रहे थे कि तोहफा शायद आप रोनोजामिया के हाथ से लेना पसंद करेंगे, तो आज से हमारी विरासत आपकी हुई। चुपके चुपके प्यार होता है, दवा खा लीजिए। एक एक, सिर्फ एक? नहीं, दोनों, डॉक्टर ने कह दिया है। कम ऑन, लीजिए। तो भी नाउ द नेक्स्ट वन। अच्छा सुनिए, रोज ठीक टाइम पे सोइएगा और समय पर दवाई भी लेनी है, और चार्ट में सब लिखा हुआ है। यू बोथ हैव टू बी ओके फॉर माय सेक। ओके जी। अम्मी अबू की तरह छोड़ के मत जाना, नजरों से एक मिनट के लिए भी नहीं, ठीक है? क्या कहते हो बेटा, तुम्हारे रणजय को क्या विलायत से लाने का सोचा है? उफ नानू, I'm going there for study, not husband hunting. आ, अच्छा अच्छा। उम्र भी तो हो रही है। Come on, अम्मी, you don't start. I'm not going anywhere. लखनऊ से दोबारा मुलाकात तो हुई नहीं, वही देख कर आए, उसी की आंखों से देखेंगे। तस्वीरें लेकर आना अपने मोबाइल फोन पर, न जाने कैसा है मेरा लखनऊ। कहीं जाना है मैडम जी? चलिए जी, हम आपको छोड़ देते हैं। होटल जेमिनी जाएंगे? हाँ, बैठ जाइए। चलिए मैडम जी, चलिए। माइसेल्फ राजा, एंड यू मैडम? हाँ सॉरी, आप कुछ पूछ रहे थे? आप न्यू हैं लेकिन फिकर मत कीजिए, मी राजा ऑलवेज आपकी सर्विस में हाजिर। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, हजरतगंज मार्केट, चौक मार्केट, जू, रूमी दरवाजा, चंदिका देवी टेम्पल, बेगम हजरत। अच्छा, महल पार्क। आप मुझे फिलहाल होटल तक ही छोड़ दीजिए। ओके ओके मैडम जी। कितना हुआ भैया? मैडम 500। थैंक यू मैडम।
शुक्रिया मैडम मोबाइल नंबर एनी टाइम कॉल डे ट्रिप का 1000 पर आपके लिए 10% डिस्काउंट थैंक यू वेलकम मैडम उस दिन ट्रेन पर चढ़ने के बाद ख्याल आया कि मैं वो नोटबुक भूल आई हूँ। नोटबुक मतलब? मेरी जो बिरयानी रोनोजय को पसंद है, वो मैं कहाँ से बनाऊँ? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बात ही नहीं बनी। उसी नोटबुक में उस बिरयानी का नुस्खा लिखा था। नुस्खा इज़न? रेसिपी। उर्दू में नुस्खा। रोनोजय के फैमिली में वाजिद अली शाह के रसोई खाने के नुस्खे लिखे थे उस किताब में। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। बट अम्मी, इतने लोग आपके हाथों का खाना खाने के लिए बेताब हो जाते हैं और आप एक सिंपल सी बिरयानी नहीं बना पाएंगी। एंड दैट आल्सो यू डोंट हैव योर नुस्खा। इसीलिए सोचो, हो जाएगा। कोशिश तो करो, याद करो, हो जाएगा अम्मी। शायद बना लूंगी, लेकिन वही बिरयानी नहीं बनेगी। जो बिरयानी तेरे नानू जान खाना चाहते हैं, उसे मैं बिना देखे नहीं बना पाऊंगी। शायद उनकी ये ख्वाहिश मैं इस जन्म में पूरी ना कर सकूं। वाजिद अली शाह के रसोई खाने की वो किताब तेरे नाना जान को मिली थी विरासत में, मेरे लिए उनका पहला तोहफा और प्यार का पहला इजहार। खान परिवार की शोहरत उन दिनों चारों ओर फैली हुई थी और सबसे छुप छुपा कर मेरे चारों ओर भाईजान के सबसे अजीज दोस्त रोनोजय। उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और मेरे दिल का दरवाजा भी। बिरयानी के नुस्खे के इस नए इजाद ने मेरे प्यार को भी दिया एक नया पहलू। तकरीबन 16-17 साल की रही होगी। भाईजान ने विलायत जाने की खुशी में सबको दावत दी थी। इश्क़ का माहौल बन गया है।
भाईजान और रौनोजॉय बहुत करीबी दोस्त थे। वहां हर कोई मौजूद था। मैंने वाजिद अली शाह के नुस्खे के हिसाब से बिरयानी बनाई। मेरे और रौनोजॉय के अलावा उस नोटबुक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। शाहीन भाभी को मैंने एक बार वो नोटबुक दिखाया था क्योंकि उनको ही सब कुछ पता था। बिरयानी तो बहुत लाजवाब बनाती है भाभी। बढ़िया। लखनऊ में पकी बिरयानी की खुशबू कुछ अलग ही होती थी। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। और मुझे भी। अच्छी बनी है। जो आप लोगों को खिलाना था वो ये नहीं है। आप नहीं समझोगे। ठीक से खाना। जरूर। हमें भी मालूम है इसमें वो बात नहीं है। ना रहा वो वक्त, ना रहा वो माहौल जो बिरयानी आप ढूंढ रहे हैं सफर में लखनऊ के साथ साथ, वो भी कहीं खो गया। ठीक हो भी तो कैसे? मिक्दार जो याद नहीं था, अंदाज से और चाहे जो हो, बिरयानी नहीं पकाई जाती। हाँ, बिरयानी नहीं बनाई जा सकती। अम्मी प्लीज, चलो ना हम एक साथ ट्राई करते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, मतलब भाई तुम्हारी बंगाली जैसी। ट्राई ना। अच्छा वो नोटबुक अब है कहाँ? आई मीन डिड यू एवर ट्राई टू लुक फॉर इट? Wajid Ali Shah settled in Mitiyapur Road along with his family, his servants, and few excellent chefs, whose biryani making skills were legendary. And in the confines of the king's kitchen, they came up with a brilliant improvisation. के नाना जान की खुशियों की चाबी लखनऊ में छूट गई थी। उनकी पसंदीदा बिरयानी उन्हें जरूर खिलाना बेटी। He looks fine on the surface, but समझ ही रही हो, he is ailing. उनको भी पता है मगर तुम दोनों को बताना नहीं चाहते। Happiness makes a man live longer, Panchali. Take great care of him. खुश रहो।
treat him to his favorite biryani, huh? इस शहर में मेरी पहली सुबह. मिसिंग यू बोथ. इस शहर के हर कोने में सिर्फ आप और आप ही हो. आसान नहीं है ना अपना शहर, अपने सारे करीबी लोगों को पीछे छोड़ जाना. नानू जान, अब महसूस कर रही हूँ आप लोगों को छोड़ के जाना होगा, ये सोच के ही बड़ा खालीपन महसूस हो रहा है. चलिए. But अम्मी, before going anywhere, I promise you, I'll find out your notebook. Your first present from your beloved. अब बस 5 ही मिनट में आप होंगे दरबारी आफरीन की गली में. ठीक है भैया. सिर्फ ये सोच रहा हूं पांचाली लखनऊ जाएगी, मंसूर से मिलेगी, उसे देखेगी. बस आई एम हैप्पी. मैं बहुत खुश हूं. मंसूर मेरा सबसे अजीज दोस्त, उससे दोबारा तो मिलना होगा नहीं. क्या जाने कैसा है वो, मेरे बारे में सोचता होगा. आई रियली मिस माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड. याद तो जरूर करते होंगे, चाहे प्यार से या नफरत से, पर याद करते होंगे. पांचाली बिल्कुल अपनी मां पर गई है. दिल से नरम और बाहर से जिद्दी. सिर्फ जिद्दी ही नहीं, बिल्कुल निखत जैसे दिखती है. अल्लाह खुशहाल रखे हमारी पांचाली को. तुम्हें पता भी है कि वो प्लेन से क्यों नहीं गई? हम दोनों ट्रेन से कलकत्ता आए थे, इसलिए वही रास्ता पकड़ के पहुंचना जरूरी था लखनऊ. 50 साल के बाद ढूंढने निकली है एक किताब. उसी किताब में तो सारी यादें कैद हैं. मेरी जान, कितना कुछ करना चाहा था कर नहीं पाया. कितने अपनों से मिलना था, मिल नहीं पाया. पांचाली को देखकर बचपन याद आ जाता है. वही जोश, क्या सब दिन थे वो, है ना. तुम्हें याद नहीं आता? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं. अच्छा, ज़हनसी. कोई मलाल नहीं, बस 2 ख्वाहिशें बाकी हैं. एक तो भाईजान की खबर और तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनाना. हाँ.
मंसूर अली खान मेरे भाई जान, माशाल्लाह क्या हैंडसम दिखते थे। Just a minute. Yeah. Huh. You saying? Good morning, sir. I'm Panchali. Panchali Roy. कहिए। Basically, I'm a hotel management student researching on the history and heritage of biryani. Research? Yeah. किस लिए? Closely guarded secrets of the king's kitchen. Closely guarded secrets of the king's kitchen. Thank you. Closely guarded secrets. What a royal name. Tashreef rakhiye. Shukriya. Now tell me, what can I do for you? So Google familiarized me to Darbari Afreen and its biryani in the 70s. So your recipe still remains a family secret. Yes, and I'm afraid it's going to keep remaining a family secret. कहते हैं ना खूबसूरत चीजों को पर्दे के पीछे ही रहना चाहिए. कहते हैं ऐसा लोग. Anyway, Panchali, huh? Draupadi from the Mahabharat. Is that your pen name? No, a real name. In fact, it was given by my grandmother. She's a great cook herself. Wonderful. Sir, आप मुझे कब मिल सकते हैं? एक शर्त पे, ये सर्वर जो कहती हूँ ना वो भूल जाओ. I have a granddaughter who is your age and she doesn't call me Dada, she calls me MK. So, I wouldn't mind if you started calling me MK too. Thank you. So, today, tomorrow, MK's... MK? देखो ये शाही सीक्रेट्स जो है ना इतनी जल्दी हम नहीं देते. पहली मुलाकात में तो डेफिनेटली नहीं. आपको हमारे साथ डिनर खाना पड़ेगा, हमारी सारी फैमिली के साथ. डील? डील? बेटा अगर तू पकड़ी गई तो क्या होगा? अल्लाह अम्मी, तुम्हारी बंगाली ना जस्ट अलग ही लेवल की है. चुप कर. ओके रिलैक्स. पांचाली रहमान ना उतनी बेवकूफ नहीं है. ओ सॉरी, बिल्कुल भूल गई थी. अब तो मैं पांचाली रॉय हूँ. भाईजान अब कैसे दिखते हैं? तस्वीर लेना जरूर. हैंडसम ओल्ड मैन. पागल कहीं के. अरे आइए आइए, इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू अगेन. बैठिए. शुक्रिया. ये हैं हमारे भाई साहब बशीर. सलाम अलैकुम. और ये उनकी बेगम साहिबा गुलशन आरा. सलाम अलैकुम. ये जगह ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं? अफरीन, अपन के आने तक तो रुक जाओ. अफरीन, रोनू के बिना जीने का क्या फायदा? सोच भी नहीं सकती जिंदगी उनके बिना. दहलीज के बाहर कदम रखी तो अल्लाह कसम चांद से मार देंगे तुझे. आपको भी. ले आए इतना कुछ? अरे कुछ नहीं है. दीजिए. यस यस चिकन. ये हमारे अली चाचा, ही इज द यूनिवर्सल. सलाम अलैकुम. ये जो हम जिंदा हैं सिर्फ अली चाचा की वजह से. और ये है शबनम. सलाम वालेकुम. हमारे छोटे बेटे कादर का इंतकाल हो गया था पिछले साल.
कार एक्सीडेंट में। शबनम उसकी बेवा है। आपके घर में और कौन कौन है? मैं जब छोटी थी तभी मेरे मम्मी पापा एक हादसे में गुजर गए। तो मेरी परवरिश नाना नानी के यहाँ ही हुई है। Oh, I'm so sorry to hear that. Thank you. You know, एक जमाना था जब ये दस्तरखान दोस्तों और रिश्तेदारों से भरा रहता था। एक कुर्सी खाली नहीं रहती थी। फिर धीरे धीरे लोग दूर चले गए और जो बचे यहां वो पास में रहे नहीं। क्या भाईजान, अभी क्या बात लेके बैठ गए? बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और बेटी बनारस में। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और अपनी अपनी तकदीर। साल में एक बार सब आते हैं मिलने। ओह, ईद के टाइम पे क्या? अरे ईद पे कहाँ इकट्ठे मिलते हैं, आजकल तो फोन पे विश कर देते हैं। अच्छा अभी तो कलकत्ते में दुर्गा पूजा चल रही होगी ना? हाँ। जब हम बच्चे थे मैं और मेरे दोस्त कलकत्ते जाते थे हर साल। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और भाई फोटा मनाते। आपको भाई फोटा के बारे में पता है? लो, क्यों नहीं पता होगा? You must visit Kolkata. Hardly likely. You know, but it's interesting to see someone as young as you take such an interest in cooking, especially Lucknow food. But tell me something, what attracted you to this food? ये पराठा लीजिए। और नहीं कहा जाएगा, थैंक यू। अरे आप बिल्कुल नताशा जैसी है। नताशा कौन? नताशा, माय ग्रैंडडॉटर। भाईजान बता रहे थे कि लखनऊ के बारे में कुछ खास दिलचस्पी है आपको? सिर्फ लखनऊ के बारे में नहीं, दरबारे आफरीन के बारे में भी बहुत इंटरेस्ट है। ओके, बाय द वे, सो देयर वाज स्काई रूम, ब्लू फॉक्स एंड ट्रिंकर्स इन कोलकाता। दीस प्लेसेस बेसिकली सिंबलाइज कोलकाता कल्चर इन द 70s। यू नो दीस आर द प्लेसेस वेयर यू गेट दोज एक्सोटिक कॉन्टिनेंटल फूड। जैसे लखनऊ इज सिनोनिमस टू कबाब्स एंड बिरयानी। माय ग्रैंडडॉटर नताशा, शी आल्सो लव्ड द 70s. Yeah, the 70s, huh? Na jaane kitni yaad hai. Really? Would love to hear some of them. Tab to aapko yahan rukna padega. Yahan? Haan, are bahut sari jagah hai yahan par, aapko acha hi lagega. No, I think it's... If you're comfortable to be here, we'll be happy to have you here. Right, Gul? बिल्कुल। ओके देन। अरे कूल डाउन ना अम्मी, तुम्हारा उस घर में रुकना मुनासिब नहीं है। मैडम। अरे बट क्यों? नोटबुक का क्या होगा, वो तो कोई आके मेरे हाथ में नहीं दी जाएगा ना। लीजिए ना मैडम। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू लुक फॉर इट। बशीर भाई को पता चला तो? कबाब। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, रिलैक्स। अच्छा सुनो, तुम खुद भी स्ट्रेस मत लेना और प्रॉमिस करो कि नानू जान को भी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दोगे। प्रॉमिस। नो थैंक्स। थोड़ा ट्राई कीजिए ना मैडम। अरे सुनो तो। अरे नहीं तुम्हें नहीं। अच्छा सुनो, मैं अब ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सारी अपडेट देती रहूँगी। एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके। अरे भाई सुन तो मेरी बात। तो सब ओके है ना मैडम जी? सब ओके। मेमोरीज कैन बी सो पेनफुल। इट्स बीन इयर्स सिंस आई हैव कम टू दिस साइड ऑफ द हाउस। ये रूम किसका है? आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग। अरे अरे क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शीरिन हूँ और ये नवीन मेरा भाई। वालेकुम सलाम। हाय। हाय। माय ग्रैंडचिल्ड्रन। वेरी क्यूट। उस दिन जब आप डिनर पे आई थी तब ये दोनों अपने दोस्त के यहाँ गए थे। गीता आप खाना गरम कीजिए। नवीन चलिए अपने कपड़े चेंज कीजिए। यस मैम। बाय पंचाली, सी यू लेटर। बाय, सी यू। देखा अम्मू, आपा ने ही बोला। ओके, चलिए। दीज आर माय ग्रैंडचिल्ड्रन, मॉडर्न है इनके कायदे सब। अच्छा आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। यू ऑल हैव अ लवली टेरेस, एक बार जा सकती हूँ क्या? बेशक। थैंक यू।
आप दबे पाँव कैसे ऊपर आ जाती हैं? अगर मैंने आपको ये तोहफा ना दिया होता तो इतनी बेहतरीन बिरयानी बनाना आपके लिए नामुमकिन था। तो इस बिरयानी पे हक मेरा हुआ। सिर्फ बिरयानी पे हक चाहिए? फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो क्या है मोहतरमा, बिरयानी जो है पेट से लेके दिल तक पहुंच गई, अब क्या करें? हाँ हेलो अम्मी, मैं तुम्हारी घर में हूँ। कैन यू इमेजिन? तुम रो क्यों रही हो? तुमसे कितनी बार कहा है एक स्मार्टफोन ले लो, वीडियो कॉल कर पाते तो कितना अच्छा होता। आई मिस यू बोथ। मुझे डर लग रहा है। मगर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, सब बहुत अच्छा है। पता है घर लोगों से भरा हुआ है, दस भाईजान, शबनम, गुलशनरा, नवील, तबो शिरीन। सो क्यूट। संभल के रहना होगा। तुम एक बार कोशिश करो ना याद करने की। कस देखो सारा घर पुरानी चीजों से भरा हुआ है अभी भी, तो सुम श्योर वो नोटबुक कहीं ना कहीं तो जरूर होगी। कुछ भी तो याद नहीं आ रहा। फिर भी कोशिश करो ना याद करने की। अच्छा ठीक है, मैं रख रही हूँ, बाय। दो दिन के बाद कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मकान में नहीं बेचना चाहते, ऊपर से बिजनेस की ये हालत। धीरे बोलिए भाईजान, सुनेंगे तो कुछ गलत कह रहे हैं क्या हम? ऊपर से पता नहीं किसको लाके घर में बिठा लिया, कुछ लेके भाग गई तो पता भी नहीं चलेगा। जो मन में आए वही करते जा रहे हैं। बेटे ने शादी भी की तो फिरंगी से, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। खुदा के लिए इतना गुस्सा मत कीजिए। ये फालतू की रईसी दिखाने की जरूरत क्या है? तोड़ फोड़ शुरू फिर से? जाओ यहां से। चलो वहां पूछते हैं। सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपको दरबारे आफरीन के बारे में कुछ पता है? बहुत पैसा कमाया था उन दिनों, मगर अब कुछ भी नहीं बचा है। सुना है कि अब तो सब उधार पे ही चलता है। देखा तो नहीं, सुना है बहुत खूबसूरत ही। उस दुकान की हालत बहुत खराब है, उस दुकान में अब कुछ नहीं बचा है। सुना है उसके हाथों में क्या जादू था, ये सब ऊपर वाले की देन थी। क्या लाजवाब बिरयानी बनाती थी, क्या खुशबू थी उसके बिरयानी में। आप इधर आओ बेटी, यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है। दादा परदादा के जमाने की दुकान है दरबारी आफरीन। लोग कहते हैं एक लड़की थी आफरीन, लाजवाब बिरयानी पकाया करती थी। एक हिंदू लड़के से प्यार था, बिल्कुल फिल्मों जैसा प्यार। एक दिन कहीं चली गई, अब तो बस नाम की दुकान है। बिरयानी में भी अब वो बात नहीं रही।
घर किस दिन काम आएगा? अगर पैसे नहीं है तो घर बेच दे। अरे मियाँ क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे मत बोलिए। देखिए देखिए मंसूर मियाँ का लिहाज कर रहे हैं, वरना वरना क्या? देखिए देखिएगा खुशी 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 हाय हाउ आर यू पांचाली, कम कम कम, चलिए आप चलिए जाइए, कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा बाद में, चलिए कसम से चलिए। अरे ये बशीर है ना, वो उधार पैसे लेता और फिर लौटाता नहीं है, ये तो चलते ही रहता है, भूल जाओ, चलो आओ बैठो बैठो। अब बताओ तुम्हारा रिसर्च कैसे चल रहा है, एनी प्रोग्रेस? या क्वाइट गुड एक्चुअली। अच्छा ये दुकान तो काफी पुरानी है ना? यस 1969 में एस्टैब्लिश हुई थी। एंड दिस ईयर इट्स 2019 गोल्डन जुबली। वाओ कांग्रेचुलेशंस। अच्छा आई हैव हर्ड दैट आपके वाइफ के गुजरने के बाद द सेल हैज गॉन डाउन। Where did you hear this and how do you know that's right? Research. That's my job. और इस रिसर्च ने आपको और क्या क्या बताया है? जिनकी ओरिजिनल रेसिपी है उनके हाथों में कुछ अलग ही खुशबू थी, तो उनके गुजरने के बाद It's not my wife's recipe. It's a She followed it word by word. Oh. Nahi, khair, chodo ye sab baatein. Let's have some biryani, shall we? Ah, there it is. The secret recipe wali biryani. Wow. Smells amazing. Yes, come on, go ahead, have it. You know, aajkal ki jo biryani ki recipes hain, wo YouTube pe milti hain. Par mera kehna hai कि द रियल टेस्ट ऑफ अ बिरयानी कम्स फ्रॉम द हैंड दैट कुक्स इट, इट्स मैजिक, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल गिफ्ट। सो लाइक ए दैट्स ह्यूज, व्हाट डू यू डू? अरे नहीं 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 नहीं, ये रिवाज है यहाँ के मुफलिस को मेरी बहन अफरीन अपने हाथों से बिरयानी बनाकर उन्हें खिलाती थी एवरी फ्राइडे इवनिंग, सो नाउ इट्स बिकम अ ट्रेडिशन। इट्स इनक्रेडिबल। Oh, now I know. This is why this place is called Darbare Afri. Yes, absolutely. May I? Yeah, sure. Dijiye. Smells nice. पर दुनिया की सबसे अच्छी खीर तो मेरी अम्मी पकाती है। अम्मी? ये अम्मी कौन है? इसमें ऐसे की कोई वजह? नहीं। Actually मैं जब छोटी थी तो मेरी नानी कहती थी I am नानी, तो वो हो गया अम्मनानी, और जब बड़ी हुई तो अम्मी। आपने आफरीन आपा की बनाई हुई खीर खाई नहीं, तभी आप ऐसा कह रही हैं। किस्मत से सिर्फ एक बार चखी थी, आज तक भूल नहीं पाई। आपा के हाथों में तो जादू था। उस गिरी हुई औरत के बारे में बात करके वक्त जाया मत करो, मर चुकी वो हम सबके लिए। बशीर मियां, वो जो भी हो जैसी भी हो है हमारी बहन, अपनों के सामने ना सही दूसरों के सामने कम से कम तमीज से पेश आए।
बेटा खुशबू तो बड़ी अच्छी है, चखने को मिलेगा कि नहीं? थोड़ी और पकेगी। एमके खीर। थैंक यू। माय प्लेजर। यू नो फैमिली वैल्यूज आजकल चेंज हो गई हैं। लोग एक साथ रहना नहीं चाहते और जो चले जाते हैं ना वो हमें भूल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं भूल सकते। यू नो पांचाली, इट्स वेरी पेनफुल बीइंग स्टैब्ड इन द बैक। माय बेस्ट फ्रेंड और मेरी अपनी बहन, हम एक साथ बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, मैं इंग्लैंड चला गया और वो हमारे पीठ पीछे। आई मीन आई कैन नेवर फॉरगेट और फॉरगिव दिस बिट्रेयल यार। आई डोंट नो व्हाई, शायद प्यार था। जाना चाहिए, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। साथ जाना था रोनू, सही नहीं लग रहा अकेले जाना। मंसूर मियां, हमें फारसी से प्यार है और आपको इंग्लिश लिटरेचर से। जाइए, गोरो का शहर देख के आइए। आप जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा भी सपना पूरा हो गया। जाइए। जी, आपको भी जाना चाहिए था भाईजान के साथ, उनको तकलीफ कम होती। और आपको खोने सजा लिया, खाब आँखों ने सजा लिया, राज सांसों से बयां हुआ, रहमतों सा तू उतर गया, इश्क का माहौल बन रहा, सजा लिया, चुपके चुपके प्यार होता है, चुपके चुपके प्यार होता है। आफी, भाईजान, भाईजान। आंखें नीचे कर, नीचे।
नानाजान ठीक है? नहीं, नानाजान ठीक है। मुझे याद आया। क्या? उस दिन के बाद मैं बहुत सोचती रही, सोचते सोचते तेरे कमरे में आई तो याद आया। अभी उठ। मगर इतनी रात को तो बाहर जाने से नहीं होगा, सब सो रहे हैं। बाहर नहीं, भीतर, अंदर। सुन, मैं बताती हूँ। कहाँ? बिस्तर पे आ, बैठ, पीछे देख। क्या नहीं खुल रहा है? वेट वेट, हाँ वेट, लेट मी चेक द अदर साइड। वहां तुझे पैनल दिख रहा है? आहिस्ते से खोल। आफरीन रॉय चौधरी, यू कैन फाइनली कुक योर बिरयानी। Afreen from Bhaijaan, 1971, London.
दी। आओ बेटी, आओ बैठो। शुक्रिया। बड़े तकदीर वाले हैं तुम्हारे नाना जान, जिसे तुम जैसी नवासी मिली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। बेटी, जो बिरयानी तुम्हारे नाना जान को पसंद है, हाँ? वो तो हमारे बावर्ची खाने में पकती थी। आप नवाब को लखनऊ से बाहर निकाल देते ये मुमकिन है, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि आप उनके दिल से उनकी जाने लखनऊ को निकाल देते? 1856 अंग्रेजों ने मेरी हुकूमत छीन ली, मेरी दौलत लूट ली, मेरी महबूब लखनऊ को मुझसे दूर कर दिया। इसी वजह से मैंने अपने लिए कलकत्ते शहर के कोने में एक टुकड़ा लखनऊ फिर से बुलंद कर दिया। हम थे खाने और खिलाने के शौकीन, दिल बड़ा था पर खजाना खाली। तो हमारे शाही बावर्ची को एक तरकीब सूझी, गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए आलू मिलाया और इस तरह बनी कलकत्ते की बिरयानी। अब वो नुस्खा जा पहुंचा तुम्हारे नाना जान के पास। तुम्हारी नानी के हाथ में जादू था और दिल ने प्यार। तोहफे में मिले नुस्खे से ऐसी बिरयानी बनाई जो आज भी भुला ना पाए ये लखनऊ वाले और तुम्हारे नाना। ये सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, मोहब्बत है, जज्बात है, इतिहास के पन्ने में कैद हुआ एक वक्त है। पांचाली आई। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। यह है लखनऊ का चौसा, बेइंतहा मीठा। मगर हम आम धोए बिना नहीं खाते। बिना धोए हम आम नहीं खाते। I haven't heard that for over 100 years. एक और था जो बिल्कुल ऐसे ही बोलता था। कोई और? पता नहीं कौन सी पहली बुझा रहे हैं आप, बताइए ना कौन था। मिस्टर रोनोजॉय रॉय चौधरी, माय बेस्ट फ्रेंड। रोनोजॉय रॉय चौधरी, रोनोजॉय द वन हु विंस ऑल बैटल्स, और आप मंसूर, विच मींस प्रोटेक्टेड बाय गॉड, राइट? आप उर्दू समझती हैं? देखने से लगता तो नहीं है। देख के तो कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे आप, you seem to be pretty uncorrupted by these family complexities. You're absolutely right. Life is just too short.
इतनी छोटी कि नफरतें ना पाली जाए. एनीवे आई हैव टू लीव फॉर हजरतगंज. आई जस्ट क्विकली टेक माय बैग. सी यू. पांचाली रॉय चौधरी साउंड्स मच बेटर. आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बात क्या है. आपको जैसा लग रहा है वैसा वैसा है नहीं. जैसे जाना आप तो कुछ कीजिए. आप तो आफरीन को बेटी की तरह मानते हैं, फिर आज इस मुसीबत में आप हमारा साथ नहीं देंगे. रोनो, इतनी बड़ी बेईमानी मैं नहीं कर सकूंगा. आफरीन मेरी बेटी जैसी है, उसके पिता का भरोसा मैं नहीं तोड़ सकूंगा. समझ क्यों नहीं रहे हैं? चले जाओ, तुम दोनों यहां से चले जाओ. मैं समझूंगा आज से तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो. जनाब, अभी के अभी बीबी जान को लेके चले जाइए इधर से. बशीर के आदमी कभी भी आ सकते हैं. बशीर मार देंगे आप दोनों को. चलिए, दोनों जोय को कभी नहीं छोड़ेंगे. अरे चलिए चलिए. अरे रोनो, निकालो उन दोनों को. क्या हुआ? कहाँ है आपका बेटा? मैडम जी पानी. थैंक यू. क्या हुआ मैडम जी, कुछ रॉन्ग? आप कौन? रोनू जॉय रॉय चौधरी, वो मेरे नाना है. एक जमाने में ये मकान उनका हुआ करता था. देखो बेटी, ना आगे का तो पता नहीं, हम लोग पिछले 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं. हाँ, कुछ पुरानी तस्वीरें मिली थीं घर के दराज से और कुछ खत भी. ओके. कोई फारसी बाबा? हाँ, मेरे नाना का तकल्लुस. अब क्या आप वो तस्वीरें और चिट्ठियाँ हमें दे सकते हैं? नाना जान बहुत खुश होंगे. हाँ, क्यों नहीं. प्यार बहुत हसीन होता है ना राजा? कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ है ना मैडम. खुशबू. अच्छा, इतने लॉन्ग हेयर हैं उसके. ओह, एक सेकंड. उनको मेरा सलाम कहिएगा. थैंक यू मैडम. वेलकम. अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी. बट पता है अम्मी, तो बिजनेस इज इन अ वेरी बैड कंडीशन. बहुत हो चुका, तू वापस आ जा. हाँ लौटूंगी. और वैसे भी जिस चीज के लिए आई थी वो तो मिली गई है. बट टू मोर डेज, ऐसे अचानक निकल जाऊंगी तो इट लुक ऑड. एंड यू डोंट वरी, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. फिर भी तू बस वापस आ जा. आ रही हूँ. मिशन नोटबुक फाइनली अकम्प्लिश्ड. बट यू नो व्हाट, आई रियली मिस यू इन दिस हाउस. क्या मिशन पंचाली? आप यहाँ? हाँ, तो ये घर अपना है, हम कहीं भी जा सकते हैं. ये मिशन कौन सा पूरा किया तुमने? अच्छा वो, अरे मेरा फूड पे रिसर्च जो करने में यहाँ आई थी. थैंक यू. उस दिन वास मैंने नहीं, पंचाली ने तोड़ा. मुझे पहले ही मालूम था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है. रात को कुछ ढूंढ रही थी, पूछा तो बोली नींद ढूंढ रही है. तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसीलिए मैं फॉलो करते हुए उसके रूम में गई थी. वहाँ पे वो छुपके से किसी से फोन पे बात कर रही थी, पर मुझे देखते ही वो नर्वस हो गई. किसी मिशन के बारे में बोल रही थी वो. या अल्लाह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. मैं बोलूंगा, रिस्पांसिबिलिटी मेरी है. क्या रिस्पांसिबिलिटी भाईजान? हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन. शॉपिंग करने गई थी. अच्छा, पहले नवील, ये आपके लिए. थैंक यू. मैंने सबको बता दिया कि वास आपने तोड़ा था.
लगा ही था कि आप लोग माइंड करेंगे, तो मैंने ये। शिरीन, कोई जरूरत नहीं है भाईजान, आप इस घर में फिर से किसी गलत इंसान को। पांचाली, तुम अपने कमरे में जाओ, बाद में मुझसे आके मिलना। नहीं, मैं वो सबके लिए गिफ्ट्स। गो टू योर रूम प्लीज नाउ। आज अगर यहाँ पे रुकी ना भाभी, तो जिंदगी भर के लिए खुद के निगाहों में गिर जाऊंगी। भाईजान हमें खालत समझ बैठे, भाभी जान अल्लाह करे वो एक दिन सब कुछ समझ पाए। शाहीन, इंशाल्लाह। गलत था मेरा दोस्त, बिल्कुल गलत था। अरे वो जान था मेरी, लेकिन दे कुडंट वेट, दे जस्ट वेंट ऑफ। मैं अब्बा को सब कुछ समझा देता, लेकिन नहीं, सी दे जस्ट कुडंट ट्रस्ट मी। और एक पल में सब कुछ, दोस्ती, रिश्ते, नाते, सब खत्म। शुक्रिया अली चाचा। ओ, एक मिनट। एक मिनट, अल्लाह तुझे बरकत दे बेटा। अल्लाह, आपकी दुआ कभी जाया नहीं जाती, बल्कि आप जैसे लोग तो इस दुनिया को बेहतरीन बनाते हैं। अली चाचा को भी मालूम था, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था। अमेजिंग। यू मिस देम नो? You really do. Tinkabar nahi. And I don't think they miss us too. That's the saddest part of it. But isn't it strange that I don't find it strange that I can confide my innermost feelings to a comparative stranger? And I'm glad that you found me worth this confession. बेटा, जान। हाँ कहो। जब भी आप इस घर में किसी को लाए हैं, वो शख्स इस घर से कुछ ना कुछ लेकर चला गया है। पिछली बार कोई हमारी बहन को भगाकर ले गया था, और इस बार ये लड़की, अगर इसने इस घर से कुछ लेकर भागने की कोशिश की ना, तो हम उसे जान से मार देंगे भाईजान। और आप रात चुपचाप देखेंगे, अल्लाह का समाप हमें, आप हमें रोकेंगे नहीं। अरे बशीर मियां, यहां है क्या किसी के काम का? वो क्या लेके जाएगी यहां से? तुम्हारे पास कुछ है? हमारे पास तो कुछ नहीं है सवा इस मकान का और वो ना चलने वाली दुकान का। अरे क्या लेके जाएगी वो आखिर? यू जस्ट प्लीज गेट आउट ऑफ माई रूम, जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम। और वो 50 साल पुरानी वाली बात का जिक्र ना करें, शायद उन्हें भी सुकून मिले
और अपने लिए आप माफी मांग लीजिए, शायद आपको भी जन्नत नसीब हो। खुदा सर, सर ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ सर। किसने दिया? पांचाली मैडम ने। अच्छा, मैं जाऊँ सर? हाँ जाओ। जी सर। पांचाली, माई नेम इज पांचाली रहमान। आई एम नेम्ड पांचाली बाय माई ग्रैंड मदर आफरीन रॉय चौधरी। रोनोजॉय रॉय चौधरी इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। आई कुड नेवर लेट हिम डाउन, सो आई वॉन्टेड टू फुलफिल हिज विश ऑफ हैविंग बिरयानी कुक बाय आफरीन जस्ट लाइक इन द ओल्ड टाइम्स। आई हैड कम टू लखनऊ टू लुक फॉर अ नोटबुक दैट बिलोंग टू रोनोजॉय रॉय चौधरी दैट ही हैड गिफ्टेड टू आफरीन। She had left it in a hurry 50 years back while running from home. That's the only thing she wanted all her life. Raja bhaiya? Ji madam. Aap Mansoor ji tak meri ek chitti pahuncha denge? Please. Zarur madam. Anything for you. Thank you. The notebook that I'm leaving back for you was the first gift from Ronojoy to his beloved Afreen. It was a rare treasure, a recipe book from the kitchen of Wajid Ali Shah during his last days in Calcutta. After wandering through the night, what would make Afreen happier? The notebook, along with the ingredients for her to cook biryani at home in Kolkata, or the revival of Darbari Afreen? मैंने कहा था ना, भाग जाएगी वो, जरूर कुछ लेकर गई होगी इस घर से। भाईजान, मैंने कहा था ना आपसे। सो हियर्स योर फैमिली सीक्रेट रेसिपी। Dearest MK, it was wonderful that you let me stay in your house. Now I have become a part of the swinging 70s too.
हेलो, आप कहाँ तक पहुँचे बताइए। हाँ, डिड यू टेक द लेफ्ट फ्रॉम देयर? हाँ, सी यू। यस। उसके लिए दो सूटकेस खरीदने होंगे, समझे? मंसूर, एक बार बिरयानी नहीं खिलाओगे? राज सांसों से बयां हुआ, रहमतों सा तू उतर गया, इश्क का माहौल बन रहा है, ख्वाब आँखों ने सजा लिया। चुपके प्यार होता है, चुपके चुपके प्यार होता है, हाल दिल इजहार होता है, हाय चुपके चुपके प्यार होता है। बिरयानी में जो एक कमी थी वो थी उस वक्त की, जिसे इन लोगों ने साथ बिताया, जो सिर्फ याद बन के ही रह गई थी।